नमस्कार दोस्तों, मैं आरवी सिंह, आरवी ब्लॉगिंग में आपका स्वागत है। आज हम आए हुए हैं श्री राम कृष्ण मठ, जो कि स्थित है लखनऊ के निराला नगर में, और अभी हम पहुंच चुके हैं बिल्कुल मंदिर परिसर के पास में। आप देख सकते हैं कितना सुंदर और भव्य मंदिर बना हुआ है। जैसे ही आप मंदिर परिसर में प्रवेश करेंगे, आप मंदिर की भव्यता और सुंदरता को देख कर मनमुग्ध हो जाएंगे। इस मंदिर के गर्भगृह में 9 गुंबद हैं और जो मुख्य गुंबद है उसकी ऊंचाई है 90 फीट। इस मंदिर के अंदर श्री रामकृष्ण, माँ श्री शारदा देवी व विवेकानंद जी की मूर्ति स्थापित है। दोस्तों, चलते हैं मंदिर के अंदर और भारत के महान संतों के दर्शन करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं, बाईं तरफ हैं स्वामी विवेकानंद जी और मध्य में हैं श्री रामकृष्ण परमहंस जी, और दाहिनी तरफ विराजमान हैं श्री श्री माँ शारदा देवी जी। श्री रामकृष्ण परमहंस जी भारत के महान संत, आध्यात्मिक एवं विचारक थे। इन्होंने सभी धर्मों की एकता पे जोर दिया था। इन्हें बचपन से ही विश्वास था कि ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं, अतः इन्होंने कठोर साधना व भक्त का जीवन व्यतीत किया। स्वामी रामकृष्ण जी मानवता के पुजारी थे। जो आप सामने देख रहे हैं ये है मंदिर का ढांचा, जिसे आप देख सकते हैं। आपको दिखाते हैं चारों तरफ घूम करके। सेम इसी तरीके से पूरा मंदिर बना हुआ है। यहाँ पे नवरात्रि का पर्व बहुत हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है, तथा हर वर्ष यहाँ पे माँ दुर्गा जी की मूर्ति की स्थापना की जाती है, तथा पूरे 9 दिन तक तरह तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं मंदिर के कपाट खुल रहे हैं, जल्द ही हम माता रानी के दर्शन करेंगे और आप लोगों को भी दर्शन करवाएंगे। जय माता दी, सभी भक्त जनों पे माता रानी की कृपा बनी रहे। जैसा कि नवरात्रि का समय चल रहा है और भक्तगणों की भीड़ जमा होनी शुरू हो गई है, माता रानी के पूजन और आरती की तैयारी चल रही है। तो दोस्तों, ये मंदिर अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह 4:30 बजे ओपन हो जाता है गर्मियों में, और सर्दियों के दिनों में 5 बजे ओपन हो जाता है। और मंदिर की शुरुआत होती है 5 बजे मंगल आरती के साथ, और इसके बाद 6:45 पर होता है वैदिक पाठ, और 8 बजे होता है नित्य पूजा, और सामान्य दिनों में 12 बजे से 4 बजे तक मंदिर बंद रहता है, और शाम को 4 बजे मंदिर ओपन होता है। उसके बाद जो संध्या आरती होती है वो 7 से 8 बजे के मध्य में होती है। तो दोस्तों, मंदिर के बारे में अधिक जानकारी के लिए मिलते हैं पंडित जी से। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार भैया,
आप जो इस मंदिर के बारे में जानना चाहते हैं इसका बहुत ज़्यादा विस्तार से तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन इतना ज़रूर है कि स्थापना ये मंदिर पहले विवेकानंद पॉलीक्लिनिक में सबसे ऊपर था। अच्छा अच्छा। उसके बाद ये पूरी जमीन लेने के बाद यहाँ पे स्वामी श्रीधरानंद जी महाराज थे। जी जी जी। उन्होंने इस मंदिर का निर्माण पूरा कराया जी जी। और उसके बाद मंदिर वहाँ से स्थानांतरित होके यहाँ आया। यहाँ आ गए 1999 में। इसको यहाँ पे श्रीधरानंद जी महाराज ने सब काम करके ठाकुर की स्थापना करके और ये मंदिर, उसके बाद वो निकल गए ऑस्ट्रेलिया और ये स्वामी मुक्तिनाथानंद जी महाराज के हाथ से इसका संचालन हो रहा है। तो तब से लेके आज तक इसका अपना हिंदुस्तान में ही नहीं, लखनऊ मठ का जो जो जगह है वो रामकृष्ण मठ एंड मिशन के जो 137 सेंटर्स हमारे हैं पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, उसमें अपना एक अलग जगह रखता है। माँ और ठाकुर साक्षात रूप में यहाँ विराजमान हैं। और मतलब हम तो बहुत छोटे ही मान के चलिए, हालांकि मेरी मैं तीसरी पीढ़ी को बिलोंग कर रहा हूँ, मेरे बाबा दादी माता जी पिताजी और हम अभी नीचे नहीं उतरे हैं, यहीं के आश्रित हैं, बाकी सब कुछ उनके चरणों में समर्पित कर दिया। जो करें जैसा करें बहुत अच्छा, बहुत जानकारी। धन्यवाद। तो दोस्तों, मंदिर परिसर में काफ़ी पेड़ पौधे लगे हुए हैं, यानी चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। यहाँ पे आने के बाद मन को बड़ी शांति मिलती है। तो दोस्तों, जब भी समय मिले यहाँ पे अवश्य विजिट करें। यहाँ पे आने के बाद महान संतों के दर्शन करने के बाद बहुत शांति मिलती है। मंदिर परिसर में बहुत शांति है और यहाँ अपनी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी से थोड़ा समय निकाल कर ज़रूर आएँ, मन को बड़ी शांति मिलेगी। नवरात्रि के समय यहाँ बहुत सारे तरह तरह के स्टॉल लगाए जाते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं आध्यात्मिक पुस्तकों का स्टॉल लगा हुआ है और साथ में आप और देख रहे हैं कई सारे स्टॉल लगे हुए हैं। और यहीं पे स्थित है माँ शारदा देवी पब्लिक लाइब्रेरी, जहाँ पे आप जाकर के अपना आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ सकते हैं। यह लाइब्रेरी सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक खुली रहती है तथा वीकली ऑफ रहता है लाइब्रेरी का मंडे को। लखनऊ स्थित श्री रामकृष्ण मठ एंड मिशन के 2 संस्थान हैं, एक तो आपने अभी देख लिया हमारे साथ में और दूसरा संस्थान इसी के पास में है, मात्र 400 मीटर की दूरी पे, जो है विवेकानंद पॉली क्लिनिक यानी विवेकानंद हॉस्पिटल। ये हॉस्पिटल अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। ये हॉस्पिटल अच्छी चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करता है। इसके अलावा इस हॉस्पिटल द्वारा लखनऊ के आसपास के गांवों में यानी गरीब लोगों के लिए फ्री स्वास्थ्य कैंप चलाए जाते हैं, जिसमें लखनऊ के आसपास के ग्रामीण इलाके में फ्री इलाज किया जाता है। तो दोस्तों, विवेकानंद पॉलीक्लिनिक सन 1970 से आज तक लगातार अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएँ देता चला आ रहा है। तो दोस्तों, इस मठ परिसर में उपलब्ध है पौधों की नर्सरी, जिसमें चंदन, हरसिंगार, एलोवेरा, नागफनी, मोरपंखी, गुड़हल आदि पौधे कम दामों में, रियायती दामों में उपलब्ध रहते हैं। वैसे दोस्तों, सामान्य दिनों में इस मंदिर परिसर में फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। शायद दुर्गा पूजा के चलते हुए हम कुछ फ़ोटो और वीडियो ले सके हैं, यानी सामान्य दिनों में आप वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस ब्लॉग को यहीं पे हम समाप्त करने की इजाज़त चाहते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।